तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं आइसक्रीम को। तो गाइस, जिसको स्टोरी के बारे में नहीं पता उन सभी को बता दूं कि पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम चारों को ना एक आइसक्रीम अंकल होता है उसने किडनैप कर लिया था, मेरा जो चारों फ्रेंड है उसको। तो गाइस, मैंने उन सभी को बचा ही लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके उसने हमें सभी को पकड़ लिया था। लेकिन मैं कैसे जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग चुका हूँ। तो गाइस, अभी मैं जाऊँगा उसको आइसक्रीम फैक्ट्री में और दोबारा से मेरा फ्रेंड को बचाने का ट्राई करूँगा। तो गाइस, तुम लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी ये जो आइसक्रीम अंकल है, ये उसका वैन में मुझे बिठा के अभी उसका जो बड़ा सा आइसक्रीम फैक्ट्री है उसके अंदर ले आ चुका है। तो गाइस, अभी देख सकते हो इसका आइसक्रीम फैक्ट्री बहुत बड़ा है यार। इसके अंदर ही मेरा जो तीनों फ्रेंड है उन सभी को किडनैप करके रखा है ये। और ये जो गाइस आप इनका आइसक्रीम अंकल का जो स्टैचू देख पा रहे हो, इस स्टैचू के अंदर इसने एक गैरेज बना के रखा है। और उस गैरेज के अंदर इसने ये जो वैन है ये पार्क कर दिया और गैरेज का गेट भी बंद हो चुका है। लेकिन अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे साथ अभी करने क्या वाला है। अभी ये आ चुका है और मुझे ले जा रहा है। तो गाइस, ये जो आइसक्रीम अंकल होता है ना, इसका मैंने रेसिपी चुरा के वो आइसक्रीम खाया और मैं भी मोटा हो चुका हूँ, जाते ये मुझे किडनैप करके ले आ सके। तो मैं मोटा नहीं होता तो ये मुझे किडनैप भी नहीं करता, इसीलिए मैं अभी मेरा फ्रेंड को बचाने के लिए खुद रिक्स लेके आया हूँ इस आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर। तो अभी मुझे सिर्फ मेरा दोस्त जो है रूम, तो गाइस ये मुझे जस्ट जिस रूम में ले जा रहे वहाँ पर देखो मेरे तरह ही बहुत सारे केज है। और इसके अंदर गाइस मेरा फ्रेंड भी है। तो गाइस ये देखो, ये तीनों फ्रेंड यार ये बहुत परेशान हो रहा है इस केज के अंदर। और ये जो आइसक्रीम है इसका बहुत हंसी आ रहा है हमारा परेशानी देख के। तो ये क्या बोल रहा है अभी इसको देखना पड़ेगा गाइस। तो यू ऑल डू वी अलोन मस्ट टू टेक अबाउट द एडवेंचर। और गाइस ये जो आप पीछे रूम देख रहे हो ना, ये इसका बहुत ही मतलब स्पेशल रूम है। मतलब ये बोल रहा है कि ये रूम के अंदर तुम कभी भी नहीं आ सकता हो, लेकिन आ गया तो तुम यहाँ से एस्केप कर पाओगे। तो ये लग रहा है गाइस इसका मेन रूम है। तो गाइस हमें कैसे भी करके इस रूम के अंदर जाना पड़ेगा। तो गया अभी वो उसका जो पैसा रूम है ना उसके अंदर चला गया और गेट बंद कर दिया। तो गाइस फाइनली गेम स्टार्ट हो चुका है, इवन टू द गेट ऑफ दिस केज एंड रेस्क्यू करें। तो गाइस मुझे अभी इस गेट से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा और मेरा जो तीनों फ्रेंड वहीं पे बंद है उस सभी को छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले ये जो इसके ऊपर एक रेंच होता है इसको सबसे पहले लेते हैं, और मेरा जो ये वाला की है इसको तोड़ ही देंगे ऐसे करके। चला भी गई ये उस साइड में गया है तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो देख लेगा तो वो आइसक्रीम वाला जो होता है ना उसको बुला लेगा। तो गाइस अभी इस साइड में एक गेट है इसको ओपन करते हैं। तो अभी ये मेरा करेक्टर ना देख रहा है कि अभी गाइस इस साइड में कंट्रोल रूम मिल गया मुझे पहले ही। तो गाइस अभी कंट्रोल रूम के बाहर किंतु एक बहुत बड़ा जायंट सा आदमी खड़ा है, इनसे कैसे बचूँ? तो बाच के कंट्रोल रूम के अंदर जा भी तो नहीं सकता। यू नो टू तो गाइस इस कंट्रोल रूम के अंदर ना एक बटन है जिसको दबाने के बाद ही मेरा जो फ्रेंड है तीनों का उसका जो केज का गेट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके कंट्रोल रूम के जाने के लिए मुझे इसको मारना पड़ेगा। अभी इसको मारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, अभी ढूंढते हैं सबसे पहले। इस साइड में तो अभी कोई नहीं है तो अभी इसके अंदर चलते हैं। चलो गाइस इसने मुझे ऐसे देखा था, अभी मैं इसका जो रेंच है ये लेके भाग जाऊँगा। चलो ये जो क्रोबर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसको लेके मैं भागता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। ये भी मैं आप सभी को पता ही होगा। अरे गाइस इसने मुझे पकड़ लिया, मैंने इस गेट का अंदर आ चुका हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा मतलब मैंने देखा था, लेकिन उसने मुझे कैसे पकड़ लिया मुझे भी नहीं पता। चलो कोई नहीं, पकड़ अभी सप्ताह ही है। अभी मेरे पास अभी सिर्फ दो ही लाइफ बचा है, इन दोनों में लाइफ में मुझे एस्केप करना है इसका रूम से। लेकिन गाइस मैंने इसका रूम से तो अभी एस्केप कर लूँगा, इस साइड में एक की मिलेगा। चलो अभी इसके की के लेते हैं सबसे पहले, ओल्ड की। अभी ओल्ड की ये क्या नाम हुआ। चलो अभी इस साइड में एक बड़ा जो बटन है इसको ऑन करने के बाद मैं इस साइड में आ चुका हूँ ना, यहाँ पे गाइस
इस तीनों जो आइसक्रीम होता है ना, ये देखो ये वाला जो आइसक्रीम होता है इसको लगाना पड़ेगा। और वो मुझे पता है एक ऊपर वाले कमरे में, कमरे के अंदर है। यहाँ पे गाइस मुझे आइडेंटिफाई वाला रिबन मिला, लेकिन ये जो है ना चीज़ इसको सबसे पहले रख के आते हैं इस साइड में गाइस। एक चीज़ है अभी इसको यहीं पे फेंकते हैं चलो। और इसके पास से ये वाला तो ये वाला जो गाइस मैंने काट तो ले लिया। अभी सबसे पहले यहाँ से चलना भी पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी वो आइसक्रीम वाला है ना ये वेंट से तो नहीं आ रहा है ना, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत। नंबर यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा तो गाइस 581, लेकिन अभी तक मुझे और एक नंबर नहीं मिला। चार नंबर का ही होता है ना, चार नंबर का ही होता है। अबे गाइस मैं गया, चलो। तो गाइस इसने मुझे तीन बार ही पकड़ ली। ये जो मिनी रोड थे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर देता है इस गेम को, मतलब ख़त्म करने के लिए। तो गाइस तुम लोग बता नहीं ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसका एक मतलब इसको गेम कंप्लीट करूँगा इस बार जब मैं पार्ट डालूँगा। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय।